नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CITS की काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पता भी है कि यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद स्टार्ट हो चुकी है सेकंड काउंसलिंग। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था उन्हें भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है CITS 2019 काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसफर अप्लाई कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू स्टेटस। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे होम पेज पर देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ पर ऑफिशियली दिया हुआ है कि वो अपना स्टेटस देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है या फिर उन्हें भी कोई भी इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं हुआ है। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपने 1000 रुपये, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में एक इंस्टीट्यूट लॉक किए थे और 1000 रुपये का आपने पेमेंट किया था जो कि काउंसलिंग के लिए था, तो अगर आप वो कर चुके हैं उसके बाद अगर आपको इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं हुआ है तो दोबारा से सेकेंड काउंसलिंग में आप फिर से अप्लीकेबल हैं। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, दोबारा से अप्लीकेबल है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो 1000 रुपये की जो फ़ी पेमेंट करना था वो नहीं किए थे। जी वो नहीं किए थे, उसके बाद फर्स्ट राउंड में जब आपने फ़ी नहीं किया तो फर्स्ट राउंड में अप्लीकेबल भी नहीं थे। तो उसके बाद अगर वो चाहते हैं सेकंड राउंड में आने के लिए तो उनके पास भी एक चांस है और वो उन्हें करना होगा अपना फ़ी पेमेंट करने के बाद वो भी इस सेकेंड काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर जो कैंडिडेट पुराने हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपना फ़ी पेमेंट किया हुआ था वो उन्हें कोई इंस्टीट्यूट अलाउट नहीं हुआ है या फिर वो प्रोविजनली थे, उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, उन्हें अलाउट तो हुआ था उन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लीकेबल है। और जिन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं किया था वो फ़ी पेमेंट करके यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकते हैं, यहाँ की यानी कि इस सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मेन बात वो ये है कि आपने अगर काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और फ़ी पेमेंट नहीं किया है तब भी आप पार्टिसिपेट हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपने फ़ी पेमेंट किया था, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला था और आपने एडमिशन नहीं लिया था तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।